भैया वो वाली पैर दिखाइए ना। पिछली दुकान में तो हमारी चोरी सक्सेस हो गई, अब इस दुकान की बारी है। लेकिन ये मेरे दोस्त की दुकान है, उसे पता चल गया तो? अरे ऐसे कैसे पता चल जाएगा, आज तक मेरी किसी को चोरी करने की ट्रिक नहीं पता चली है। अब चलो मैं हूँ। अच्छा ऐसा, तो चलो फिर आज अपने दोस्त की दुकान पे ही हाथ मारते हैं। चलो चलो फिर आज काम तमाम करते। आज भाई के शॉप तो साफ ही कर दूंगा। अरे भाई कैसे हो? अरे भाई, अरे आओ हिमांशु, आओ बैठो बैठो भाई, बैठो बैठो बैठो, बैठिए भाभी जी, बैठिए, नमस्ते नमस्ते, बैठिए बैठिए। लंबा हाथ मारना है भैया। कल करवा चौथ है, कल के लिए मुझे कुछ अच्छा सा दिखा दीजिए। अच्छा करवा चौथ के लिए? तो भाभी जी क्या क्या दिखा दे आपको करवा चौथ के लिए? आपने मुझे सुंदर सिरिंग और सुंदर सुंदर पायल बिछिया दिखा दीजिए। अरे तो अभी दिखा देता हूँ, बस दो मिनट का दीजिए टाइम मुझे। ये देखिए भाभी जी बिछिया देख लीजिए, सुंदर सुंदर। ये देखिए रिंग देख लीजिए, सारे सुंदर सुंदर ये रिंग है आपके हिसाब से। पायल दिखा देता हूँ आपको मैं। ये देखिए भाभी जी, आपके लिए मैंने एकदम न्यू कलेक्शन मंगवाए हैं। ये वाली देखिए सबसे बेस्ट है। ये वाली अच्छी लग रही ना, ये देखिए। भैया वो वाली भी रिंग दिखाइए, वो बहुत अच्छी लग रही है। भैया वो वाली पायल दिखाइए ना। लीजिए ना भाभी ये वाली देखिए, ये वाली अपने कहा तो। भैया हमें तो कुछ पसंद ही नहीं आ रहा है। इनमें से कुछ भी पसंद नहीं आया? आप रहने दीजिए, जब कुछ नई डिजाइन आएगी ना तो मैं आके ले जाऊंगी। ठीक है भाभी, कल देख लीजिएगा। अच्छा भैया हम चलते हैं, फिर कभी आएंगे। आऊंगा भाई, लेके बहुत सारे सामान लेके जाऊंगा। अरे भाई बोलो, चोरी करके चले गए, तुमने कुछ बोला नहीं, मैंने तुमको इशारा किया था। हाँ भाई मुझे पता है, मैंने देखा है उसे चोरी करते हुए। फिर तुमने उन्हें जाने क्यों दिया? अरे भाई वो मेरा दोस्त है, अगर उसे पता चल जाता कि मैंने उसे चोरी करते हुए देख लिया तो उसको कहीं ना कहीं मन में बुरा फील होता ना यार, इसलिए मैंने उसको नहीं बताया। बाकी मैंने देखा कि उसने चोरी की है, और भाई देखना भगवान उसे जल्दी ही इस चोरी की सजा भी देगा और साथ ही साथ ऐसी सद्बुद्धि भी देगा कि आज के बाद वो देखना कभी चोरी नहीं करेगा, क्योंकि भगवान सब कुछ अच्छा करता है हर किसी के साथ। अगर मैं उसको बोलता ना तो कहीं ना कहीं उसको बुरा लगता, उसकी सजा ना उसे भगवान देगा। मजा आ गया चोरी करके कल। अरे ये क्या हो गया गाड़ी में, किसी ने हमारी गाड़ी ठोक दी। अरे यार ये क्या हो गया, कितना नुकसान कर दिया। 40,000 से ऊपर का खर्चा है, पूरा ये बोनट चेंज करवाना पड़ेगा। ये भगवान ने हमारी गलती की हमें सजा दी है। हमने अपने दोस्त के यहाँ 15,000 की चोरी की थी कल, उसी की सजा दी है भगवान ने। आप सही कह रहे हो, हम आज के बाद चोरी नहीं करेंगे, भगवान ने हमें चोरी करने की सजा दी है। 15,000 की चोरी किए थे ना, ये लो 30,000-40,000 का नुकसान हो गया। 15,000 है ना, दोस्त को बिना बताए पेटीएम कर देंगे, और मैं तो कसम खाता हूँ आज के बाद कभी चोरी नहीं करूँगा।